फ्रेंड्स, बारिश के दिनों में हम लोग तो सभी भजिए बनाते हैं, लेकिन आज हम आप लोग को एक अलग तरह की भजिए बना के सिखाऊंगी जो काफ़ी क्रिस्पी और यम्मी होंगे। इसमें पहले हम दो कटोरी बेसन लेंगे, एक बाउल में दो कटोरी बेसन डालेंगे। झटपट बनने वाली चीज़ें इसे बारिश के दिनों में खाने में बहुत टेस्टी लगती है। फिर स्वाद अनुसार जितने आपको चाहिए उतना नमक डालेंगे। टर्मरिक हल्दी पाउडर थोड़ा सा। दोस्तों ये ऑप्शनल है, प्याज आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। अगर आप खाते हैं तो डाल सकते हैं, नहीं खाते हैं तो नहीं डाल सकते हैं। ये हरी मिर्च है, ये रेड चिली पाउडर है, ये पिंच भर सोडा, मीठा सोडा होता है, वो पिंच भर आप डाल सकते हैं। इसे आपके पकौड़े फूलेंगे और टेस्टी लगेंगे। मिर्च पाउडर। हेलो फ्रेंड्स, ये मैंने ऑनियन को फाइन चॉप कर लिया है, इसे भी हम इसमें मिला देंगे। ये रेड चिली मैंने महीन महीन काट लिया है, फाइन चॉप कर लिया है छोटे छोटे में, इसे मैं इसमें मिला दूंगी। इसे बढ़िया से मिला लेंगे और धीरे धीरे पानी डालकर इसे खूब गीला नहीं करेंगे दोस्तों, इसे थोड़ा हार्ड ही रखेंगे। आइए फ्रेंड्स, अभी से हम तेल हमारी गर्म हो गई है, अभी से हम तलते हैं। फ्रेंड्स, इसे हम डबल फ्राई करेंगे। पहले एक बार फ्राई करेंगे, गोल गोल डालेंगे। वन टाइम इसे हल्का फ्राई करेंगे, फिर सेकेंड टाइम इसे ब्राउन फ्राई करेंगे, इससे ये खाने में ज़्यादा क्रंची एंड क्रिस्पी लगेगा। तो मध्यम आंच पे बनाएंगे जैसे कि ये अच्छी अंदर तक पक सके। कलछी के साथ जैसे हल्का हल्का तेल चढ़ाते जाएंगे ऊपर। ज़्यादा लाल नहीं करेंगे फ्रेंड्स, इसे कम लाल नहीं निकाल लेंगे और फिर इसे डबल फ्राई करेंगे। हल्का पकने पर ही इसे निकाल लेंगे। ये जब हल्का हल्का फ्राई रहेगा फर्स्ट टाइम में, उसी टाइम में इसे जल्दी जल्दी निकाल लेंगे। हाथ में पानी लगा के गर्म होगी, हाथ में लगेगी, इसलिए आप इसे गिलास की सहायता या प्लेट की सहायता से इसे ऐसे से दबा दीजिएगा और इसे डबल फ्राई करेंगे। फ्रेश डबल फ्राई करने से इसे क्या होता है कि इसमें ज़्यादा क्रिस्पी रहेगा, ज़्यादा देर तक इसमें क्रंची रहेगा। और ये ठंडे होने के बाद भी ये कुरकुरी लगेंगे खाने में। बारिश के समय में ये इसे खाना बहुत टेस्टी होता है, सभी लोग इसे बड़े चाव से खाते हैं। खट्टी मीठी चटनी के साथ या इसे मीठे सॉस के साथ भी आप इसे दे सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी लाल लाल होने जा रही है, लाइट ब्राउन हो गई है, थोड़ा डीप ब्राउन हो जाएगा तब इसे हम निकालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब इसे हम निकालते हैं। प्लेट में निकाल देंगे।
फ्रेंड्स अभी तो आम का सीजन है, हम लोग आम की खट्टी मीठी चटनी बना सकते हैं, तीखी चटनी, तीखा चटनी बना सकते हैं और उसे इसके साथ खाने से और भी टेस्टी लगते हैं। बन के तैयार हो गया है और कितना सुंदर, कितना क्रंची, कितना खूबसूरत बना है। इसे आप आम की चटनी, ये खट्टी, ये मीठी तीखी चटनी, तीखा चटनी है और ये खट्टा चटनी है, इसके साथ आप खाइए और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि ये कैसा बना है। लाइक करना, शेयर करना ना भूलें।